तबीयत जो है ना पूछने के लिए आए क्योंकि मेरे बच्चे थे बीमार इस तरह। अमीदा छोड़ दो, इसके साथ जो है ना आप मतलब जैसे फिजा भी और अबास भाई जो है वो पहुंच चुके हैं, क्योंकि इनको सलाम तो मैंने कर लिया था। अभी जी मुआयदीन को जैसे मैंने आपको बताया था कि उनको फोन किया है कि आप आ जाएं दवाई ले आए अपने भाई की, तो वो अभी अभी आए हैं। माशाल्लाह जी अभी करेले जो है ना मैंने कटाई कर ली। छोटी सी रिक्वेस्ट होती है जो चैनल पर व्यू है चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अच्छा शेयर करें, कमेंट करें। तो चलते हैं ब्लॉग की तरफ। आज आपको दिखाते हैं ब्लॉग सुबह सुबह का टाइम है, नाश्ता जो है ना मैं बना रही हूँ और पानी नहीं था। वसीम को मैंने भेजा है, वसीम और इब्राहिम को मैंने कहा कि नीचे चले जाए पानी लेकर आए, तो अभी आ चुके हैं। लगता है कूलर पानी का भर के आ चुके हैं। तो हाँ, क्योंकि कूलर जो है ना काफी बड़ा है तो वसीम पानी लेकर आ जाता है और सीढ़ियों से नहीं ऊपर आ सकता, तो इसलिए मुश्किल जाती है और पानी लेकर आती है। तो वो लेकर आएंगी, तो जब तक मैं नाश्ता भी तैयार कर लूँगी तो फिर खाना वगैरह जो है ना नाश्ता जो करेंगे खाएंगे उनको दूंगी, क्योंकि आपके भाई की तबीयत सही नहीं है, वो तो कुछ भी नहीं खाते पीते। कभी मैं कहती हूँ कि नरम गिज़ा बना कर दूँ उनको, वो खाएंगे, वो भी नहीं खाते। और सेब जो है ना वो लेकर रख दिए हैं, मैंने कहा कि वो खाएँगे, मतलब मैदे के अंदर बुखार भी साथ मिक्स हो गया है और ऊपर से दाने वगैरह ये चीज़ें दो दो तीन तीन बीमारियां जो है ना एक साथ आ गई हैं, तो इसलिए तबीयत जो है ना उनकी सही नहीं है। तो ठीक से नाश्ता खाना वगैरह ठीक से कुछ भी नहीं खा रहे। अगर तबीयत इंसान की सही हो तो फिर वो मतलब कुछ खा पी ले तो तबीयत जल्दी बेहतर हो जाती है। और हाजरा जो है ना इनको कल जो है ना काफ़ी ज़्यादा दाने निकले हुए थे, लेकिन आज जो है ना ये कुछ कम हुए पड़े हैं, क्योंकि दम जैसे करवाया और शरबत भी ली है वो पिला रहे हैं, तो इसको जो है ना आज कुछ कम लग रहे हैं। और आपके भाई को भी दाने जो है ना वो कम हो गए हैं, लेकिन वो क्या है कि बुखार जो है ना चेकअप करवाया था तो डॉक्टर ने कहा था कि मलेरिया बुखार जो है वो हो गया है आपको, तो दवाई उस दिन ले आए थे, फिर जो है ना दवाई भी खाया, अभी तक बुखार का जो है ना आराम नहीं आया, बुखार अभी काफ़ी ज़्यादा है, रात को भी काफ़ी ज़्यादा बुखार था। तो शरबत वगैरह पी थी, तो मैंने कहा कि आज जो है ना आप जाकर किसी अच्छे से डॉक्टर से इलाज करवाएं, उसको चेकअप करवाएं, बताएं कि मेरी ना तकरीबन 8 दिन तो हो गए होंगे तबीयत खराब है, अभी तक सही नहीं हुई, तो मैंने कहा कि आप जाएँ और आज किसी अच्छे से डॉक्टर से अपना जो है ना चेकअप करवाएं और अच्छी सी दवाई लेकर आएँ, क्योंकि 1-2 दिन तक आप ठीक हो जाएँ। तो फिर नाश्ता वगैरह करेंगे तो फिर बाद में जो है ना डॉक्टर भी आ जाएंगे, तो फिर जाएंगे चेकअप वगैरह अपना करवाएंगे, दवाई लेकर आएंगे। और आप लोगों ने दुआ करनी है कि जल्दी से जल्दी जो है ना आपके भाई ठीक हो जाएं। और बाकी का भी लोग भी आपके साथ शेयर करूँगी, मैं उसकी कैमरा बंद करें और जाकर कूलर पानी का ले आए। माशाल्लाह जी नाश्ता वगैरह जो है ना सब ने कर लिया है, बच्चों ने और नाश्ता कर लिया है, और आपके भाई की तबीयत जो है ये देखें काफ़ी ख़राब हो चुकी है। रात की वो बोलते हैं कि मुझे ना कहीं ले जाएं दवाई वगैरह जो है ना वो ले आएँ, तो मैंने कहा कि आप जो है ना फोन करें, वो ये नहीं तो आएंगे आपको ले जाएंगे दवाई वगैरह जो है ना, कुछ अच्छे से डॉक्टर से चेकअप कराएंगे ले आएंगे। तो फिर अभी जो है ना फ़ोन करते हैं किसी को, वो आएँगे तो इसको ले जाएँगे कहीं अच्छे से डॉक्टर के पास, चेकअप भी करवाएँगे और दवाई वगैरह ले आएंगे, शायद तभी सही हो जाए, क्योंकि घर में जितने डॉक्टर दवाएं वगैरह दी थी घर में पड़ी थी वो सारी की सारी हम जो है ना दे रहे हैं, लेकिन अभी जो है ना फर्क कुछ भी नहीं पड़ा। तो ऐसा करते हैं कि मैंने कहा कि किसी और डॉक्टर के पास चले जाएँ, तो यही बुखार का तो मसला है। मैंने कहा कि आप जो है ना कहेंगे ना डॉक्टर को कि मुझे ना चेकअप तो आपने करवाया था कि आपको मलेरिया था, बुखार भी है, मोशन भी है, सांस बंद हो जाती है बुखार जब तेज होता है, तो वो जो है ना प्याज लगा के देख लो कितना टेम्परेचर है, बुखार काफ़ी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा बुखार है अभी भी।
फिर फोन करते हैं और आएंगे आपको ले जाएंगे, वो चेकअप वगैरह दोबारा से करवाएंगे और दवाई जो है ना कुछ अच्छी दवाई लेकर देंगे तो आपको जो है ना आराम आ जाएगा। क्योंकि रात की जो है ना तबीयत इतनी ख़राब है कि ऐसे ही बस खाने लगा रहे हैं कि मेरी ना तबीयत सही नहीं है, लेकिन जो है ना कभी जो है ना ये ऐसे हो जाता है कि सांस बिल्कुल रुक जाती है और बुखार काफ़ी तेज़ निकल आता है, तो बस बहुत ही ज़्यादा तकलीफ देता है। तो इसलिए ना मैंने कहा रात को तो आपने गुजारी है पूरी रात, मतलब सुकून नहीं आया, नींद नहीं की मुझे, तो अभी मैंने कहा कि बुलाते हैं किसी को, तो खैर आप चले जाएँ फिर डॉक्टर के पास और दवाई वगैरह लें और वो चेकअप करेंगे ना। बुखार आपका नहीं उतर रहा, क्योंकि आप ये जो है ना बुखार वाली दवाई जैसे ही खाते हैं ना तो फिर वो अंदर ही चला जाता है, मतलब खड़ा है अंदर बुखार तो अंदर चला जाता है, फिर जैसे ही दवाई का असर ख़त्म होता है फिर बाहर निकल आता है, मतलब इसके अंदर बुखार जब तक निकलेगा नहीं ना इसको जो है ना आराम नहीं आएगा। तो इसलिए फ़ोन करते हैं और जो है ना बुलाते हैं किसी को और चेकअप वगैरह करवा के कोई अच्छी सी दवाई ले आए जो आपको जल्दी से आराम आ जाए, क्योंकि तकरीबन 8 दिन हो गए हैं, 8 दिन से ऊपर हो गए हैं ये बुखार जो है ना। वैसे दानों का मसला नहीं है, दाने जो है ना जैसे देखें ये अभी ब्लैक काफ़ी सारे जो है ना ये सूख चुके हैं, तो इनका मसला नहीं है, असल मसला जो है ना वो बुखार का है। तो अभी मैं जो है ना ये बिस्तर वगैरह यहाँ से उठाती हूँ, चार पाई आपको अंदर डाल देती हूँ कमरे के अंदर जो है ना, वहीं पर आप सो जाएँ फिर आ जाएंगे, फिर जाना आप दवाई लेने चले जाना। मैं तो कहती हूँ कि आप हाथ में धो के ना आपको हाथ में धुलाती हूँ और कपड़े वगैरह चेंज कर लो। नहीं यार यार ये कपड़े सही नहीं है, ये काटन के कपड़े हैं, ठंडे कपड़े हैं, आप दूसरे पहनाओगे मारने के चक्कर में हो क्या? ये इनको मैं धो खड़ाऊंगी ना तो ये खुश हो जाएंगे, फिर दोबारा से आप ये सही है, ये सही है, क्योंकि ये जो है ना काफी दिन से आपने यही पहने हुए हैं तो ये पसीने की जो है ना स्मेल आ रही है। एक मिनट मशीन जल्दी से ये गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा हो रही है, क्योंकि हल्के हल्के से बादल बने हुए हैं ना, आज हवा वगैरह भी नहीं है, तो कमरे के अंदर आपको सुलाती हूँ, पंखा वगैरह लगा देती हूँ तो आप वहीं पर सो जाए। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन तो मेरे भीरा लोग, क्या हाल है? तो स्वामी ठीक हो? मैं भी ठीक हूँ। दुआओं दराज सुबह का भी लोग लोग को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, अच्छे कॉमेंट्स करो जितनी मेरी वीडियो पहुँच सके। अक्रम बड़ी तकलीफ है उनको, सारे बहनी भीरा उनके वास्ते दुआ करो, उनको जल्द तो जल्द ठीक की वजह तुम्हारे दुआओं के नाल, अल्लाह से उनको लंबी जिंदगी देवे, अल्लाह भावें वो ठीक ठाक होवे, अपने बच्चे नाल ठीक खुश हो जाए। अभी जी मुआयदीन को जैसे मैंने आपको बताया था कि उनको फ़ोन किया है कि आप आ जाएं दवाई ले आए अपने भाई की, तो वो अभी अभी आए हैं तो उनको लेकर चले गए हैं दवाई लेने के लिए, तो फिर चेकअप वगैरह कराएंगे, फिर देखते हैं कि डॉक्टर जो है ना क्या बताते हैं। तो घर का काम जैसे कि ये देखिए सारे का सारा वैसे का वैसा ही पड़ा है, क्योंकि सुबह मैंने सिर्फ कमरे के अंदर झाड़ू लगाया, एक चारपाई जो है ना कमरे के अंदर डाली है, तो यहाँ पर आपके भाई सोए हुए थे तो मैंने कहा कि आप उठ के कमरे के अंदर चले जाएं वहीं पर सो जाएं, तो ये चारपाई जो है ना मैं कमरे के अंदर डालूं, तो उन्होंने कहा मेरी फुर्सत नहीं है उठने की और ना ही मैं उठता हूँ, तो फिर बैठी रही। और अभी अभी वो जो है ना दवाई लेने गए हैं, तो मैंने कहा कि ये चारपाइयाँ वगैरह बाहर पड़ी हैं तो इसको ना कमरे के अंदर डाल दूँ, झाड़ू वगैरह लगा दूँ, सैन पे सारा कचरा ही कचरा हुआ पड़ा है, बर्तन वगैरह भी पड़े हैं, तो काम जो है ना मैंने कहा कि घर का ख़त्म कर लो। क्या हुआ ये ना इसके साथ आए ना, ये देखो इसको गुस्सा लग जाता है, ये देखिए अभी काटने के लिए ना भागती है, तो अभी जो है ना सदीक है वसीम इब्राहिम नहीं करो बेटा। चार पाई जो है ना मैंने कमरे के अंदर डाल दी है, ये पड़ी थी बाहर तो मैंने कहा कि इसको जो है ना ले जाऊं कमरे के अंदर और सब जो है ना वहाँ पर बैठ जाएंगे कमरे,
तो अभी ये वाली चारपाई जो है ना, दो मैंने कमरे के अंदर डाल दिया, अभी ये तीसरी जो है ना लेके जा रही हूँ। इब्राहिम कूलर का ढकना ऐसे नहीं खोलो, ये तो है ही ऐसे, पानी पी रहा है ना सुदीप, वो जाया कर देगा ना, ठंडा हुआ पड़ा गर्म हो जाएगा, जूठा इसके अंदर नहीं डालना, ठीक है? ठीक है इब्राहिम। अस्सलाम जी प्यारे बहन भाइयों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं सब ठीक होंगे, जा भी रहा खुश रहा बाद रहा हंसते और मुस्कुराते रहे बिल्कुल फूलों की तरह। आप देख रहे हैं अकरम खान व्लॉग, अकरम खान व्लॉग को लाइक करें, शेयर करें, अच्छे अच्छे प्यारे बहन कमेंट करना है। तो सुबह का व्लॉग जो है वो शुरू हो चुका है। इधर इब्राहिम को चेक करें, कूलर के ऊपर चढ़ के बैठे है, कूलर के ऊपर ही चढ़ के बैठे थे। ओ ओ ख्याल से, ओ ओ ख्याल से, ये देखें अभी कुछ इसके ना दाने ब्लैक, बिल्कुल ब्लैक हो गए हैं दाने ऐसे ना। हाँ इसका स्पीकर इब्राहिम ने घुमा दिया है। तो जैसे जैसे काम होगा फिर तमाम बहन भाइयों से मिलते रहेंगे। कूलर जो है ना अभी लेकर जा रही हूँ तो कमरे के अंदर जो है ना बना चुका हूँ, क्योंकि बाहर धूप आ रही है फिर ये गर्म हो जाए। माशाल्लाह अभी जो है ना मैंने कहा कूलर को जो है साफ कर रही हूँ, क्योंकि चूल्हा जो है ना सारे का सारा खराब हुआ पड़ा था, एक दो दिन हो गए थे तो मैंने इनको साफ नहीं किया। मैंने कहा कि अभी कपड़ा ढीला करके ना इसके ऊपर लगा दूँ और ये कुछ जो है साफ हो जाएगा, कुछ बिजली खराब हो जाएगा। और वैसे भी ये ऐसा है कि आपकी जो है ना गैस की ज़्यादा आग होती है, तो ज़्यादा आग की वजह से ना तो ये किसी एक चीज़ का छीटा भी नीचे गिर जाए ना चूल्हे के ऊपर तो ये देखें जल के बिल्कुल ब्लैक हो जाता है। तो अभी मैंने इसको ऊपर से जो मट्टी वगैरह थी वो तो मैंने साफ कर ली है, लेकिन ये जो है ना ब्लैक जगह ये जो है अभी साफ नहीं की, इसको अभी ऊपर रख लेती हूँ किचन के ऊपर और बाकी का काम काज करके ना फिर लास्ट में ना इसको वो तारों वाली खूबी जो है ना वो लगाऊंगी, क्योंकि ये जो है ना साफ हो जाएगा। तो अभी फिलहाल इसको यहाँ पर रख लेती हूँ, दिन जो है ना वो गर्म हो रहा है तो जल्दी से घर का काम होके कर लूँ। बर्तन जो है ना बहुत टोकरे में रखे हैं, बहुत धुले हुए हैं, और ये वाला जो है ना मैंने बर्तन है तो मैंने कहा कि ये भी ले जाऊँ, कुछ जो है मैंने वहाँ पर खादे के अंदर रख दी है, ये वाला बर्तन ये भी धोने वाले हैं। मैंने कहा मैंने बर्तन जो है ना सारे का सारा जिम आपको खाना चाहिए वाले ना, बाबा को लेकर ना हॉस्पिटल चले गए। आगरा बोल रही है कि मेरे चाचू आए थे और मेरे बाबा को ले गए हैं हॉस्पिटल दवाई लेने के लिए। तो मैं ये रख दूँ माशाल्लाह जी। अभी जो है ना झाड़ू की बारी आ चुकी है, जैसा कि आपको दिखाया सारा काम जो है ना वो मैंने ओके कर लिया है, तो फिर तो ये झाड़ू रहता है तो मैंने कहा फिर झाड़ू जो है ना लगा लो, फिर टाइम जो है ना साफ हो जाएगा, फिर उसके बाद जो है ना बाकी का काम काज वो तो होते ही रहेंगे, तो इसलिए सबसे पहले मैं झाड़ू लगा रही हूँ। यहाँ पर जो है ना ये परिंदे रखे होते हैं ना, तो परिंदों को पानी डालते हैं, खुराक वगैरह डालते हैं, तो ये सारे का सारा ना कचरा ज़्यादा हो जाता है ये परिंदों की वजह से। ये देखें ये उन्हें अपनी खुराक जो है ना वो नीचे गिरा देते हैं, फिर पानी जो है ना वो नीचे गिरा देते हैं, तो ऐसा करके ना सारा का सारा कचरा बहुत ज़्यादा होता है। और दिन में ना एक तो मतलब झाड़ू वगैरह लगाती हूँ, लेकिन फिर भी ये परिंदे खाते रहते हैं और कचरा नीचे जब फेंकते रहते हैं तो फिर इसलिए ज़्यादा कचरा हो जाता है। तो अभी ये मैंने कहा कि साफ कर लो सारा झाड़ू लगा लो, क्योंकि कुछ एक दो घंटे तो सफाई होगी ना, फिर उसके बाद जैसे कचरा होगा फिर दोबारा झाड़ू लगाना पड़ेगा। और अभी ये ऐसे लगा के वहाँ उस साइड पर इकट्ठा करूँगी, जैसा कि आपको पता है कि दीवार के पार जो है ना कोई घर नहीं है, कोई मकान नहीं है, खाली प्लाट पड़ा है, वहाँ पर कचरा वगैरह डालते हैं, तो वहीं पर झाड़ू लगा के ना वो सारे का सारा कचरा जो है वहीं पर फेंक लूँगी। माशाल्लाह जी अभी शाम का टाइम जो है ना हो चुका है, तो आज हमने मंगवाए हैं करेला, क्योंकि आज बनाएंगे करेले की रेसिपी।
और बाकी की जैसी मतलब ठंडी सब्जी जो होती है वो भी हमने खाई है, लेकिन जो हमारे घर में मरीज हैं वो तो खाना खाते नहीं हैं, वो तो मतलब कभी फ्रूट खा लिए, कभी कुछ नरम गिजा और वो खा लिए, तो इसलिए हम ना ये अपने लिए करेले बना रहे हैं। और अभी अभी वसीम को भेजा है, वो लेकर आए हैं, तो मैंने कहा इसकी छिलाई करके ना इसको जो है ना नमक लगाना पड़ता है, फिर इसकी जो है धुलाई करनी पड़ती है, तो फिर काफ़ी टाइम लग जाता है, तो मैंने कहा टाइम और टाइम जो है इसको बना लूँ, तो अभी शुरू कर रही हूँ इसकी कटाई करना। माशाल्लाह जी, भाई जो है ना चाचू और भाई यहाँ पर पहुँच गए हैं और वो आए हैं खैरियत मालूम करने के लिए, जैसे कि पता जो है ना पूछने के लिए आए, क्योंकि मेरे बच्चे थे बीमार, इस तरह हो गया साफ देखने वालों को पता है, तो मैंने कहा ना मैं खुद टाइम निकाल के ना उसको ले आता हूँ, और अब मेरा दिल भी बहुत कर रहा था, ज़रा मुझा था दिल, तो आगे पहुँच गया अपना तबियत इनकी देख के आप रहे थे, जो भी आते थे वो हमें बता रहे थे, लेकिन मैं तो बाहर जा नहीं सकता था खुद भी, तो वो जैसे जो भी आता था कहते थे उसके बच्चे भी ऐसे हुए पड़े, क्योंकि ये जो है ना, हाँ ये बीमारी ऐसी है, फिर क्या है जो कहते हैं कि कुछ हमारे देखने वाले बहन भाई बोलते हैं कि ये ऐसी है कि इसके जो है ना इसको अलहदा छोड़ दो, इसके साथ जो है ना आप मतलब जैसे क्लोज बैठते हैं ना बैठा करो, और ये बीमारी जो है जितने घर में अफराद होंगे सबको जो है ये निपट जाती है, तो आप ऐसा करें कि बच्चों का एहतियात करें, बच्चों को ना साथ ना बिठाएं, के खुद ना बैठें, ये अलग इसको कमरे में बिठाएं। फिर डॉक्टर हैं या जो भी ये कहते हैं बात उनकी ठीक है, लेकिन हमारा दौर नहीं है, लेकिन हमारा नहीं है ना इस तरह का नहीं है, एक कमरे में सामने रहना है, बैर बैठने सामने बैठना है, किधर करें हम, एक कमरा है फिर बच्चे सब हम एक ही साथ रहते हैं, फिर अलग कैसे हो सकते हैं, तो यही हमारा मसला है। फिर जो है ना रात सलमा सिस्टर और अल्ताफ भाई भी आए हुए थे, अल्ताफ भाई कह रहे थे कि मैंने जो है ना बहन भाइयों ने मना किया है कि अभी न्यू बीमारी है ना, अभी आप ना जाएं, उन्होंने कहा कि मैं जो है ना अल्ताफ भाई ने कहा कि मैंने कहा दो तीन दिन जो है ना सब्र कर लें, कुछ बीमारी जो है ना वो कम हो जाएगी, जैसे फिर जो है ना हम चलेंगे, तो रात आए थे वो बता रहे थे कि हमें भी ऐसे बहन भाई ने कहा है, लेकिन अल्ताफ भाई ने कहा जैसे कि मैंने इनको बोला सलमा को कि आप जो है अभी ना जाएं, तो सलमा जो है ना रोने लगी, क्यों मेरे भाई कितना तबीयत ख़राब है, मैं जाऊं क्यों नहीं, फिर मैंने कहा हाँ, फिर उन्होंने कहा कि मैंने कहा है कि ये मजबूरी है ना, अभी दो तीन दिन ठहर जाओ, अल्लाह पाक खैर करेगा, जैसे ही सेट होगा कुछ तबीयत ठीक होगी तो फिर जाएंगे देखने के लिए, तो फिर रात आए, फिर उन्होंने तबीयत के बारे में पूछा, यहाँ बैठे रहे काफ़ी देर तक, फिर चले गए, क्योंकि आपके भाई की तबीयत ठीक नहीं थी, फिर ये तो बस इसको तो अपना होश भी नहीं होता था, एक तो बुखार ऊपर से ये दाने वगैरह निकले हुए, तो ऐसे फिर मेरी तबीयत भी आप जानते हैं कि मेरी तबीयत ठीक नहीं होती, तो विलोक हमसे नहीं बना, फिर इन्होंने कहा है कि वसीम को आप मोबाइल ले जाएं, अल्ताफ भाई को कहा है कि वो जो है ना हमारी थोड़ी बहुत वीडियो बना देगा, हम वही डाल देंगे, चलो ऐसे तो ना बगैर वीडियो के ना जाए, चैनल ऐसे नुकसान होता है, तो फिर उन्होंने बस ऐसा नहीं है, बस अल्लाह ताला जिसको दुख दे ना उसको देता है, अब हमारे सारे बच्चे ऐसे हुए सवेरा से लेकर दो लेता मौसम ठीक है, उसकी माँ ठीक है, मैं भी ठीक बोल रहा हूँ, बस ये नहीं कहा जिसको होनी होती है हो जाती है, जिसको नहीं होती है ना, अभी ये भी है इसकी अम्मी, अम्मी बैठी है, मैं भी हूँ, तो हम ठीक है, वसीम भी है, बस जिसको हुई है जिसको नहीं हुई तो बस, इसको ना हम सरेकी में थोड़ा मोरक बोलते हैं, और नहीं हमने बनाया भी नहीं है, हम लेकर भी नहीं है जब से बीमार है, क्योंकि अम्मी आई है घर में, जब से आई है तो इनकी तबीयत खराब हुई है, हमने अम्मी की दावत भी नहीं बनाई, हमने कहा जब तक ये ठीक नहीं होंगे तब तक कुछ नहीं बना, अम्मी ने क्या दावत दी है, घर बैठा है, यदि कमरे बैठो भी आओगे मैं उठ तो कहीं पड़ती खबर है ना कमरे वाले कर की वजह अच्छा तो सब हो गया, कभी कहीं दा है पकड़ा नहीं,
छवि को उन्होंने पर्ची के ऊपर लिखा हुआ डेट दिया, छवि को दाखिल कर हाल अम्मी आई थी हमारे पास, वो बता रही थी उनका छब्बीस डेट को कहा है छवि को दाखिल करना है, फिर उनकी मर्जी अस्थाई को अठाई को चाहते हम तो यही दुआ करते हैं कि खैर से ऑपरेशन हो जाए, ऑपरेशन कामयाब हो जाए और हम ही सही सलामत जो है ना सेहतयाब होके अपने घर जाए। वही जो बीमारी है ना वही इसको खा रही है, बीमारी खा गई है ना वो है साह यही तो बीमारी है ना, साह वाली दवाई उन्हें इस्तेमाल करनी है। हाँ जी ये तो साह वाली बीमारी है, असलम का जब ऑपरेशन हुआ तो साह वाली बीमारी भी उसने बताया लेकिन ऑपरेशन वालों ने गौर नहीं किया। जब उन्होंने ऑपरेशन करके बेड पे डाला ना उसको, उसकी सांस बंद हो सारे डॉक्टर इकट्ठे हो गए, ब्लेस किया सारे लगा के आधा घंटा के बाद फिर अक्टर वहाँ से जाओ माशाल्लाह जी। अभी करेले जो है ना मैंने कटाई कर लिए थे और इसमें नमक डाला है और इसको ना अच्छे तरीके से मसल रही हूँ क्योंकि ये देखिए पानी जो है इनका निकल रहा है, तो इसको ऐसे मसल के ना फिर इसको धोऊंगी, धो के फिर इसको कपड़े में डाल के इसका पानी जो है ना छोड़ दूंगी तो ये बिल्कुल जो है ना पानी इसका निकल जाएगा, तो फिर इसको भुनाई करना शुरू कर दो। और यहाँ पर हमारे मेहमान भी आए हुए हैं, फिजा भी और बादशाह जो है वो पहुँच चुके हैं, क्योंकि इनको सलाम तो मैंने कर लिया था उन्हीं की अपनी वीडियो में तो आप लोग ये ना कहना कि सलाम जो है ना नादिया ने नहीं किया, सलाम मैंने कर लिया है उन्हीं की वीडियो में। और जो है ना अभी जो है बातचीत कर रहे हैं सबसे, वो जो है ना आपके भाई को मिलने आए, खैरियत मालूम करने आए की तबीयत सही नहीं थी और बच्चों की और सबकी जो है ना हमारी भी मेरी खुद की तबीयत सही नहीं थी, आज कुछ सही थी तो मैंने क्या पता करके आते हैं, खैर खरीत लेके आते हैं। सही है, अच्छी तो अभी अभी आए हैं, थोड़ी देर जो है इधर गप्पे शप्पे लगाते हैं फिर जो है ना चले जाएंगे ऐसे। हाँ जी खाना बन रहा है, खाना खा कर जाना, हम भी जाके खाना बनाएंगे, खाना भी हम खा के, आपका तो पता है हमारा खाना वैसे भी दो बजे हम खाते हैं, दो तीन बजे। हाँ वो हम भी ऐसे ही बनाते थे लेकिन अभी जो है ना दूसरा दिन मैं नहीं बनाती, तीसरा दिन में हमने रूटीन चेंज कर दी क्योंकि एक तो बच्चों की भी तबीयत खराब है और आपके भाई की भी, वो तो कुछ खाते पीते भी नहीं है। फिर मैंने कहा कि हम एक दो बंदे होते हैं, फिर मैं भी होटल से मंगा के खाती हूँ, अम्मी जान होती है, फिर दोपहर को जो है ना होटल से मंगा के अम्मी भी खा लेती है, मुस्फिरा और वसीम इब्राहिम हम साथ मिलके खा लेते हैं और बाकी जो है ना नहीं खाते, बस 50 की सब्जी ले ली और 100 की रोटियां पकड़ ली तो दोपहर को खा लिया, फिर शाम को बनाती हूँ, सुबह भी नाश्ता करते हैं, शाम को जो खाता है खा लेता है, नहीं खाता तो हाँ। गैस की रूटीन तो ऐसे है, दो तीन बजे खाना खाते हैं फिर शाम को तो हम खाते नहीं हैं, बस मैं पहले ऐसे दोपहर को ताज़ी मतलब ताज़ा सालन भी बना लेती थी, रोटियां भी बना लेती थी तो सब ठीक थे ना, सब तो सब मिलके खा लेते थे, फिर शाम को नहीं बनाती थी, लेकिन अब जो है ना रूटीन मेरी चेंज हो गई है, दोपहर वाला खाना जो है ना अब नहीं बनाती, सिर्फ सुबह नाश्ता ही बनाती हूँ या शाम का खाना बनाती हूँ, दोपहर वाला नहीं बनाती। सिद्रा बेटी और मोहसिन उसके बच्चे आज चले गए उधर मुखलिस भाई के घर, अभी बता रहे थे मुखलिस भाई आए हुए हैं ना, वो बता रहे थे कि आज जो है ना उन्हीं की दावत है हमारे। नहीं ये चाचू के साथ भी थे वो चले गए नई के पास, अभी मैंने कहा कि इसको धो लूँ, पहले तो कपड़े में डाल दिया था लेकिन धोया नहीं था,
क्योंकि काफी कड़वा नमक होता है और कड़वा पानी होता है ना इसका, तो मैंने कहा कि इसको धो लेती हूँ, ये कड़वा पानी निकल जाएगा फिर निचोड़ूंगी पानी इनका, फिर जो है ना सही हो जाएगा। काफी सारा पानी निकल रहा है। माशाल्लाह जी कढ़ाई जो है ना ऊपर चढ़ा दी है, गैस भी मैंने ऑन कर दिया है और अभी घी डालते हैं इसमें। करेले जो है निचोड़ के मैंने यहाँ पर रख दिया। आज बनाएंगे करेला, आज के हाजरा बता रही है। बिस्मिल्लाह जो है ना मैंने इसमें डाल दिया, घी जैसे ही गर्म होगा तो करेले जो है ना इसको घी में डाल देंगे, थोड़ा घी में इसको फ्राई करेंगे क्योंकि ताज़ा लिए है ना, अगर हम इसको पहले लेके फिर इसको काट के धूप पे रख देते हैं तो उसका पानी जो है ना काफ़ी निकल जाता है, करेला जो है सफ़ेद कलर के हो जाते हैं तो वो भुनाई जल्दी से हो जाते हैं, लेकिन ये ताज़े हैं ना इसको अभी अभी डालेंगे तो ये थोड़ा टाइम लेंगे फ्राई करने में, तो अभी इसको इसमें डाल देती हूँ और ये घी में फ्राई होते रहेंगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अब जा रहे हो? बैठो, मैंने तो आटा गूंदा थोड़ी देर रखा है, मैंने कहा कुछ आटा जो है ना सही हो जाए फिर रोटियां बनाती हूँ। खाना भी हम खा के ही आए थे, हम ऐसे तबीयत से पूछने आए थे और अभी फिर दूध भी लेना है, जाके लेट हो गई, अंधेरा हो गया। किसकी? मेरी तबीयत आपकी इतनी अच्छी नहीं है, मैंने तो कहा है डॉक्टर चेंज करें, कल किसी और के पास गया, कोई MBBS डॉक्टर से चेकअप कराएं, मुकम्मल जो है ना जो है ना अभी है अंदर, फिर हफ्ता हो गया बुखार जो है ना नहीं जान छोड़ रहा, तो किसी और बड़े से डॉक्टर को चेकअप करवाया। असगर भाई ने कहा इधर आए बेटा अपने साथ को ना शहर चलते हैं उधर जाके दवाई लेते हैं, सिटी चले जाएं वहाँ से जो है ना चेकअप करा लें। सुबह आएंगे ना फिर उनके साथ जाएंगे, चेकअप वगैरह कराएंगे, फिर दवाई अच्छी सी कोई मिल जाए ना तो फिर जल्दी से ठीक हो जाएंगे। जैसे आपने हालात देखा है, जैसे दवाई खाते हैं तो फौरन उल्टी आ जाती है, तो दवाई अंदर रुकते हैं तो कुछ असर पड़े ना, तो मैं मुझे ऐसा लगता है कि इसके मैदे में बुखार खड़ गया जो जा नहीं रहा, दवाइयों का भी असर नहीं हो रहा, दवाइयाँ जो खाते हैं वो उल्टी आ जाती है, दवाई का असर नहीं होता तो फिर इसलिए गोलियाँ नहीं रहा सा रही, इसके लिए फिर ड्रिपें वगैरह इंजेक्शन लगेंगे तो फिर ये बेहतर करेगा। बाकी जो है आप वहाँ सिटी से ही दवाई लें, चेक कराएँ अच्छे डॉक्टर से, इंशाल्लाह सुबह जो है ना चेकअप करवाएंगे दवाई लेंगे तो शाम को हम जो है ना पता मैं आपको पंखा चला देती हूँ, ये इब्राहिम रो रहा है, बोल रहा है कि मुझे पंखा लगा लें, अभी इसका टाइम है ना सोने का तो इस टाइम को ये सो जाते हैं, तो अभी देखे खाना नहीं खाएगा, नहीं खाना नहीं खाएगा, जो खा लेता है दोपहर को फिर शाम को नहीं खाता, फिर इसका टाइम होता है यही सोने का, अभी भी कुछ लेट हो गया नहीं तो मगरब की अजान जैसे ही होती है इसको नींद होती है, आज पंखा जो नहीं लगाया ना तो इस वजह नहीं सोता होगा ना, दिन को नहीं सोता पूरा दिन, मैं कहूँ ना कि सो जाओ नहीं सोता, बात भी नहीं मानता, तो इसलिए शाम को टाइम से सो जाता है। तो हमारी वीडियो भी यहीं पर मुकम्मल होती है, इंशाल्लाह मिलेंगे कल किसी न्यू व्लॉग के साथ, कल जैसे आपने सुना है कि चेकअप वगैरह कराएंगे, फिर जो है ना जो भी होगी तबीयत के बारे में डॉक्टर पूछेंगे कि डॉक्टर ने क्या बताया, वो सब जो है ना डिटेल आपको कल वाले व्लॉग में बताएंगे, तो अभी फिलहाल इजाज़त चाहते हैं, मिलेंगे कल नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद, सब बहन भाई जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज़, बाय।